ये गोल्ड और रेड में है ये। और ये देखिए साड़ी, इसकी पूरी साड़ी जो है गोल्ड कलर की साड़ी है, व्हाइट बेस पे पूरा गोल्ड वर्क का साड़ी है ये। और ये देखिए इसका पल्लू रेड और गोल्ड में है, काफी खूबसूरत साड़ी है ये, काफी खूबसूरत साड़ी है ये। और इसका ब्लाउज जो है ऐसे ही रेड और गोल्ड में है, तो बड़ी प्यारी साड़ी है ये। साड़ी ना पहनने के बाद एकदम आपका कलर में है। और इसका ब्लाउज मैंने स्टिचिंग के लिए अभी दिया हुआ है क्योंकि मुझे अभी ये साड़ी पहनना है, और जल्दी ही आप लोग इसको मुझे पहने हुए देखने वाले हैं। और ये रहा इसका लुक, सिंगल कलर में साड़ी है ये जामुनी कलर की साड़ी है, गोल्ड बॉर्डर। और मैं आपको इसका पल्लू दिखाती हूँ, तो इसका रिच पल्लू है, काफी रिच पल्लू। तो ये है इसका पल्लू, बहुत ही प्रिटी लगती है। हेलो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा एंड वेलकम बैक टू रेखा की दुनिया। तो मैंने कुछ टाइम पहले साड़ी का ब्लॉग अपलोड किया था और जिसपे कमेंट आया था कि मैम आप अपनी सिल्क साड़ी का वीडियो अपलोड कीजिए, वो दिखाइए, हमको वो देखना है। तो सिल्क साड़ी का वीडियो अपलोड करने के लिए ना मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी, और सारी सिल्क साड़ी की तो नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि अभी फेस्टिवल सीजन और शादी ब्याह भी आएगा ना, तो क्यों ना आपको कुछ ऐसी साड़ियों का कलेक्शन दिखाऊँ जो देख के आपको लगे कि मज़ा आ गया, ऐसी साड़ियाँ शादी ब्याह में पहना जा सकता है। तो मैंने अपने कलेक्शन से निकाला है आज कांजीवरम का कलेक्शन, बहुत ज़्यादा तो नहीं है मेरे पास, जो 5-6 साड़ी है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और इस तरह की कलेक्शन आप शादी ब्याह में ब्राइडल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और नॉन ब्राइडल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं अपने कांजीवरम साड़ी का कलेक्शन। तो बने रहिए वीडियो में, और आज वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा, एंड तक, विथ प्राइस ईच एंड एवरीथिंग, ब्रांड के साथ कहाँ से लिया कैसे लिया सब कुछ शेयर करूंगी मैं आप लोगों से। तो घर में एक बच्चा आया हुआ है और वो कार्टून वीडियो देख रहा है, तो पीछे वाले वॉइस को प्लीज इग्नोर कीजिएगा और वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए आपको मैं दिखाना शुरू करती हूँ। तो कांजीवरम सिल्क साड़ी के वीडियो में सबसे पहले मैं जो दिखाने जा रही हूँ वो है ये मेरी फेवरेट ऑरेंज और रानी कलर की साड़ी, जो कि बहुत प्रिटी लगती है और आप लोगों ने इसको देखा भी होगा, मैंने बहुत सारे फंक्शंस में पहना भी है, शादी ब्याह में भी पहना है, तो काफ़ी सुंदर साड़ी है। ये देखिए रिच पल्लू है इसका, एकदम हॉट पिंक कलर है इसमें, रानी कलर, एंड उसके साथ में ये देखिए ऑरेंज कलर की ऑल ओवर वर्क में साड़ी होती है। ये देखिए बहुत ही प्यारी साड़ी है ये। और ये साड़ी मैंने परचेज किया है मीना बाजार से। और ये देखिए इसका ब्लाउज इस तरह से मैंने बनवाया है, एकदम हॉट पिंक कलर में ब्लाउज है, पहन के ना बहुत प्यारा लगता है। और मैं अगर आपको बताऊं प्राइस रेंज की, तो मीना बाजार में ना मैंने आप लोगों को पहले भी शेयर किया है कि मीना बाजार में सेल लगती है, और जब सेल लगती है ना तो उस टाइम कांजीवरम का बहुत कलेक्शन होता है, और आप उसमें से अच्छा कलेक्शन अगर आप निकाल सकते हो तो आप उसमें से निकाल लो। तो ये उस टाइम पे मैंने लिया था, और वैसे इस साड़ी का प्राइस जो है 35,000 के आसपास है, बट ये साड़ी मुझे जो है अप्रॉक्सीमेटली 12 से 14 के बीच में पड़ी थी, क्योंकि ये सेल में आई थी साड़ी। तो ये काफ़ी खूबसूरत साड़ी है, और आप लोग देखते होंगे कि मैं मीना बाजार से काफ़ी साड़ी परचेज करती हूँ, और उसमें से मैक्सिमम मैं ना कांजीवरम ही परचेज करती हूँ। तो ये मेरी फर्स्ट साड़ी है और इसको मैंने पहना हुआ है, और ये जाने वाला है ड्राई क्लीन में, तो इसी चक्कर में सोचा कि आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये था मेरी पहली साड़ी का वीडियो, और अब मैं आपको जो दिखाने जा रही हूँ वो साड़ी भी मैंने परचेज किया है मीना बाजार से ही, और ये साड़ी अभी तक शायद आप लोगों ने मुझे पहने हुए नहीं देखा होगा, बट मैं इसको पहन चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ब्लाउज दिखाऊं, तो ये देखिए मरून कलर का इसका ब्लाउज है,
मरून कलर का इसका ब्लाउज है, गोल्ड बॉर्डर है, काफी हेवी इसका बॉर्डर भी है। साड़ी की बात करें तो ये देखिए, ये ड्राई क्लीन होके आई हुई है साड़ी, ये एकदम डार्क बॉटल ग्रीन की साड़ी है। और अगर इसकी हम बात करें बॉर्डर की, तो ये देखिए इसमें नीचे पूरा बड़ा बॉर्डर है, खूब चौड़ा बॉर्डर है, और ऊपर के पार्ट में छोटा बॉर्डर है। तो इस तरह से ये साड़ी है। और इसकी पल्लू की अगर हम बात करें तो इसमें हमें जो पल्लू मिला है वो मरून कलर का पल्लू मिला है। और इस साड़ी का फोटो मैं जरूर लगा दूंगी वीडियो में, आप देखिएगा, पहन के बहुत प्रिटी लगती है ये साड़ी। तो ये साड़ी मैंने 2-3 बार शादियों में भी पहन लिया। ये देखिए, देख के कितना प्यारा लग रहा है ये साड़ी। तो आपको साड़ी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी ही लाइक कर दीजिए, नहीं तो आप लोग आगे भूल जाते हैं लाइक करना। और उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ अपनी तीसरी साड़ी। जो देखा जाए तो कांजीवरम में मैंने पहली बार जो साड़ी खरीदी थी वो साड़ी है, और वो है ये साड़ी। इस साड़ी को आप गौर से देखिए, इस साड़ी का कॉम्बिनेशन आपने मुझे बहुत पहना हुआ देखा होगा। और ये गोल्ड और रेड में है ये। और ये देखिए साड़ी, इसकी पूरी साड़ी जो है गोल्ड कलर की साड़ी है, व्हाइट बेस पे पूरा गोल्ड वर्क का साड़ी है ये। और ये देखिए इसका पल्लू रेड और गोल्ड में है, काफी खूबसूरत साड़ी है ये, काफी खूबसूरत साड़ी है ये। और इसका ब्लाउज जो है ऐसे ही रेड और गोल्ड में है। तो बड़ी प्यारी साड़ी है ये साड़ी ना, पहनने के बाद एकदम आपका रॉयल लुक आता है, इतना रॉयल लुक आता है ना कि बता नहीं सकते। इसका भी बॉर्डर वैसे ही सेम देखिए, नीचे का बॉर्डर थोड़ा चौड़ा है और ऊपर का बॉर्डर पतला है। और इसमें बहुत सुंदर सुंदर ये देखिए डिजाइन बने हुए हैं, अगर आप देख सकते हैं तो बहुत प्यारा है, आपको दिख रहा होगा। तो ये साड़ी मुझे बहुत फेवरेट है, बहुत पसंद है मुझको, और इसकी भी फोटो मैं आपको लगा के दूंगी। और ये पहन के ना बहुत प्रिटी लगती है साड़ी। और अब अगर आगे मैं किसी फंक्शन में पहनूंगी तो आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। तो ये है मेरी तीसरी साड़ी। और वैसे तो ये आपको मैंने दिखाया, ये मेरी तीसरी साड़ी है, पर ये मेरी फर्स्ट कांजीवरम सिल्क है। और ये साड़ी मैंने खरीदी है पटना में, सिल्क मेला लगता है वहां से। और ये साड़ी काफ़ी कॉस्टली आया था सिल्क मेला में, और सिल्क मेला में इसका जो प्राइस था वो अप्रॉक्सीमेटली 50,000 की थी। और ये साड़ी मुझे सेल में पड़ी थी, डिस्काउंट पे पड़ा था, तो ठीक है ना, इसका प्राइस रहने देते हैं, बट अच्छा था, बढ़िया था इसका, मतलब 50 का उन्होंने बोला था पर सही प्राइस पे मुझे मिल गई थी। तो ये भी काफ़ी सुंदर साड़ी है, मेरी फेवरेट साड़ी है। और अब जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये है मेरी चौथी कांजीवरम सिल्क साड़ी। और इस साड़ी के साथ ना मैं क्या ही बोलूँ, मैंने एक क्लाउज लगा दिया है अपनी लाइफ में, और ये रेडी करवाने के बाद भी मैं नहीं पहन पा रही हूँ। और इसका ब्लाउज का नेकलाइन इतना प्यारा बना है ना, मैंने इसको ट्राई किया था पहन के, देखो ये रेडी है साड़ी, और इसके साथ में मैंने क्लाउज ये लगा दिया है ना कि जब भी मैं अपना घर खरीदूंगी तभी मैं इस साड़ी को पहन के पूजा करूंगी। और इसी चक्कर में ना ये साड़ी मैं अभी तक पहन नहीं पाई हूँ, 2 साल से साड़ी लेके रखी हुई है। और ये देखो कितनी प्यारी साड़ी है, येलो और रानी कलर में, आप लोग देख रहे होंगे मेरे अभी तक आपने जो साड़ी देखा उसमें से ऑरेंज के साथ भी रानी कलर का ही कॉम्बिनेशन था। और ये देखिए ये है इसका पल्लू, बहुत ब्यूटीफुल साड़ी है ये। और कांजीवरम में जनरली आपका ये ऐसे ही होता है कि ये देखिए ये जो है ना, जो नीचे का बॉर्डर होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है और ऊपर का पतला होता है जो आपके कमर में जाती है। तो ये साड़ी भी बहुत प्रिटी है, मुझे बहुत पसंद है। और ये साड़ी मैंने परचेज किया है मीना बाजार से, तो ग्रीन वाली भी मीना बाजार से ली है, ऑरेंज वाली भी मीना बाजार से ली है, ये येलो भी मैं मीना बाजार से ही लेके आई हूँ।
बस व्हाइट वाली साड़ी जो मेरी थी वो मैंने परचेज किया था पटना से, और वो मेरी नंद ने परचेज किया था और मुझे यहाँ पे भेजा था। तो ये साड़ी, ये आप देख लीजिए। अब आप लोग वेट कीजिए, जब मेरा नया घर लिया जाएगा तब मैं इसको पहनूंगी, तब मैं पहन के दिखाऊंगी। जोक सपाट, कब पहनती हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, जब भी पहनूंगी तो आप देखेंगे ही। तो ये साड़ी भी मैंने मीना बाजार से लिया है, और इसका भी प्राइस जो मुझे पड़ा था ना वो वही सेम अप्रोक्सीमेटली 12-13 के रेंज में पड़ा था। तो ये हो गई मेरी थर्ड साड़ी। अब मैं आपको जो दिखाने जा रही हूँ वो बहुत ही प्रिटी कलर में है, और इसका ब्लाउज मैंने स्टिचिंग के लिए अभी दिया हुआ है क्योंकि मुझे अभी ये साड़ी पहनना है, और जल्दी ही आप लोग इसको मुझे पहने हुए देखने वाले हैं। और ये रहा इसका लुक, सिंगल कलर में साड़ी है, ये जामुनी कलर की साड़ी है, गोल्ड बॉर्डर। और मैं आपको इसका पल्लू दिखाती हूँ, तो इसका रिच पल्लू है, काफी रिच पल्लू। तो ये है इसका पल्लू, बहुत ही प्रिटी लगती है ये साड़ी देख करके। और पहले सच बताऊं तो पहले मुझे ये साड़ी पसंद नहीं आई थी, और ये देखिए पूरे में इसमें वर्क है इस तरह का। और आप लोग बहुत जल्दी इस साड़ी को मुझे पहने हुए देखने वाले हैं। तो ये आ गई मेरी साड़ी नंबर, कितना नंबर हुआ, 5। हाँ, ये साड़ी नंबर 5 है। इसका ब्लाउज मैंने ऑलरेडी स्टिचिंग के लिए दिया हुआ है क्योंकि मुझे ये साड़ी बहुत जल्द पहनना है। और इसके बाद में जो मैं आपको एक साड़ी दिखाने जा रही हूँ वो है बिल्कुल बेबी पिंक, लाइट पिंक कलर की साड़ी। ये देखिए, ये है इसकी साड़ी, ये है इसका ब्लाउज का कपड़ा, बहुत प्रिटी है ये साड़ी, बहुत प्रिटी। ये देखिए बिल्कुल लाइट पिंक, जिसको बेबी पिंक बोलते हैं ना वो है। पूरे वीडियो में मेरा एक्सप्रेशन देखने लायक है। ये देखिए, ये है ये साड़ी, ये है पल्लू पार्ट इसका, ये है इसकी पूरी साड़ी। तो ये साड़ी आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये साड़ी भी मैंने मीना बाजार से लिया है, एंड ये साड़ी मुझे पड़ी है अप्रोक्सीमेटली 22 के आसपास, तो 22,000 के आसपास ये साड़ी मुझे पड़ी है। और ये साड़ी मैंने जो लिया है ना वो लिया तो है पर ये शायद मैं अपने आप के लिए नहीं रखूंगी, मैं नहीं पहनूंगी इस साड़ी को। इस साड़ी को मुझे करना है अपनी बेटी को गिफ्ट, तो जब उसकी शादी होगी तब मैं उसको ये गिफ्ट करूंगी, और तब तक ये साड़ी मेरे पास उसकी अमानत के तौर पर रखी हुई है। और इसके बाद लास्ट जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ साड़ी, वो आप देख लीजिए। तो लास्ट जो मुझे साड़ी मिली है वो मैं आपको दिखाती हूँ। लास्ट साड़ी है मेरी ये, और ये है इसका ब्लाउज, रानी कलर। हाँ जी, ये भी रानी कलर ही है। तो कांजीवरम में ना रेड, रानी कलर, येलो, ये सब कॉमन कलर्स होते हैं। तो ये देखिए, ये साड़ी भी ऑरेंज और रानी में ही है, देखिए। और इसका बस पैटर्न देखिए, इसका पैटर्न बहुत प्यारा है, इसके लंबाई में पैटर्न है सारे। और इसका बॉर्डर देखिए, बॉर्डर भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये हो गई मेरी साड़ी, और इसका पल्लू मैं आपको दिखाती हूँ। इसका पल्लू भी थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा आपको, ये देखिए पल्लू इसका बिल्कुल हैवी रिच पल्लू है। पूरी साड़ी जो है वो इस तरह से है। तो ये हो गई मेरी टोटल कांजीवरम की कलेक्शन। और आप लोगों ने सिल्क साड़ी का कलेक्शन के लिए बोला है, तो मैं पक्का आप लोगों को सिल्क साड़ी का कलेक्शन दिखाऊंगी, और बहुत जल्द दिखाऊंगी। अभी के लिए बस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको साड़ियाँ कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी साड़ी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और आप लोग अगर एक लाइक करते हैं ना, उससे ही हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ जाता है।
तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, अगर अच्छी लगी है तो शेयर भी कीजिए। और मीना बाजार में कब सेल आता है, जब भी सेल आएगा ना मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था और फिर से मैं बताऊंगी। तो आप लोग, इस वीडियो को मैं अब यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रेखा की दुनिया। बाय बाय।